अलीगढ़ में शराब पीने से मना करने पर पति ने अपनी पत्नी की छत से नीचे फेंककर हत्या कर दी। बच्चों के सामने पिता ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना करवारसी क्षेत्र में सुरेंद्र नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर शराब पीने से मना करने के चलते एक शराबी पति ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए पत्नी को अपने मासूम बच्चों के आंखों के सामने ही छत से नीचे धक्का देते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी। खौफनाक वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। शराबी पति पुलिस के पहुंचने से पहले ही पत्नी की हत्या के बाद मौके से फरार हो गया था। शराबी पति के द्वारा अपने मासूम बच्चों के सामने उसकी मां को छत से जमीन पर फेंक दिया गया और इस हत्या को अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सीओ तृतीय सहित पुलिस फील्ड के साथ ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा के लिए यहां पर भिजवा दिया गया है। वहीं पर फिलहाल पुलिस आरोपी जो फरार पति है उसकी लगातार तलाश कर रही है। किसने दे दिया? पापा ने। कोई लड़ाई हुई थी? कोई लड़ाई हुई थी? तो पापा ने धक्का दे दिया मम्मी को? क्या काम किया करते थे? नहीं करते, सिर्फ शराब पीते हैं, कुछ नहीं करते, परेशान करते हैं। मोहल्ला सुरेंद्र नगर थाना कौनसी में पति पत्नी का सुबह कोई घरेलू बात को लेके आपस में विवाद हुआ था, उसी में पति द्वारा पत्नी को धक्का दे दिया गया है पहली मंजिल से, जिससे वो आंगन में गिर गई है। आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम है तो भेजा जा रहा है। तो तहरीर के आधार पर सभी धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अभियुक्त की तलाश की जा रही है, यदि कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह से? प्रथम दृष्टया आपसी घरेलू विवाद में छत से धक्का दे दिया गया है, जिससे गिरने के कारण कई चोटों के कारण जो है। क्या पति शराब का सेवन किया करता था सर? पहली बात आई है कि शराब का सेवन उनके द्वारा किया जाता था। सर शराब के पैसे मांगने को लेकर कोई विवाद हुआ है? अब घरेलू विवाद हुआ, अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से कोई भी आपस में विवाद हुआ है पत्नी का, जिसके कारण ये घटना घटी।